बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर आपको ये दो लड़कियाँ रास्ते में चलते हुए नज़र आ रही होंगी। हुआ क्या, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, नोटिफिकेशंस भी ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। ज़रा देख लें इस वीडियो को। साथियों, आपने इसे देखा, निकल जाइए ज़रा घर से बाहर, किसी भी गली मोहल्ले में, किसी भी जगह पर। चंद नौजवान जहां खड़े हों, उनकी बातें गौर से सुनिए। डिस्कशन होगी उनकी तो किसी की बहन बेटी होगी, किसी की इज्जत होगी। बात हो रही होगी तो सोशल मीडिया ऐप्स पर नाचने वालियों की हो रही होगी, बात हो रही होगी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर की हो रही होगी। और यही हाल इस कौम की बेटियों का भी है, वो भी बैठ कर, बजाय इसके कि अपने रब को याद करें, बजाय इसके कि अपने आप को बेहतर मुस्लिम बनाने की कोशिश करें, वो भी ऐसे ही कामों में पड़ी हैं। और यही हमारी सैड रियलिटी है, जिससे पर्दा हटाकर इसे देखना और फिर अपने अंदर से ये बुराइयां दूर करना और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना अशद ज़रूरी बना हुआ है। हम खुद को सुधार लें तो इंशाल्लाह सभी बेहतर हो जाएगा। हम अपने इर्द गिर्द अगर हकीकी मानों में अमर बिलमारूफ पर नहीं अनिल मुनकर की बात करें, अगर हम हकीकी मानों में अच्छाई का हुक्म दें, बुराई से रोकें, तो यकीनन कई चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और ये इस्लाम का तरीका है, अल्लाह के अहकामात यही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी काम के लिए मबूस किया गया था। लिहाजा आपका मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम भलाई की तलकीन करें और बुराई से रोकें। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, नोटिफिकेशन भी ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।